नमस्कार, मैं कंचन दास, आप सभी का स्वागत है बोराइल न्यूज़ पे। आज हम मौजूद है उमरांग सू के APDCL के सब डिविजनल इंजीनियर ऑफिस में। आज यहाँ पे उमरांग सू के एक लोकल एनजीओ ने आके और काफ़ी सारे गांव के गाँवबुरा लोग मिल के एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, जो स्मार्ट मीटर उनका कहना है, जो उमरांग सू कॉन्स्टिट्यूंसी पे स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि स्मार्ट मीटर आने से उन लोगों को काफ़ी सारा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे गांव के लोग हैं और तो उनका कहना है अनपढ़ है, सब पढ़ा लिखा इतना कुछ नहीं है, तो उनको इनका इस बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए ये स्मार्ट मीटर जो होता है, जो स्मार्ट मीटर को यहाँ पे ये लोग नहीं चाहते कि उमरांग सू में स्मार्ट मीटर कनेक्शन किया जाए, जैसे कि जो पुराना मीटर है वही मीटर लगा रहे, और उनका कहना है कि वो लोग तो बिल दे ही रहे हैं, तो फिर इतना स्मार्ट मीटर का क्या जरूरत है, स्मार्ट मीटर जरूरत नहीं है। तो अब हम सुनेंगे जो एनजीओ के जो प्रेसिडेंट है शांतो उजाई जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनसे, जो उनका क्या कहना है इस विषय में। और नहीं, हम लोग ऐसा है उन्हें APDCL में जो हम लोग इलेक्ट्रिकल में जो हम लोग एक मेमोरेंडम दिया है, हम लोग को इंडिया में स्मार्ट मीटर हम लोग को इंडिया में आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को इंडिया में ट्राइबल इलाका है, गरीब एरिया है, इसलिए हम लोग को स्मार्ट जो मीटर है उसमें बिल डालना के हम बस्ती का आदमी गांव का आदमी बहुत मुश्किल में है, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम लोग को जो पुराना मीटर है तो हम लोग तो बिल तो देता ही है, कभी भी हम लोग को इंडिया में बिना बिल से खरीद नहीं जलाया, हम लोग तो बिल तो दे रहा है, देने के बावजूद में अब स्मार्ट मीटर हम लोग को क्या करेगा, स्मार्ट मीटर का हम लोग को कोई जरूरी नहीं है, तो हम लोग तो बिल तो दे रहा है ना, उसके लिए स्मार्ट मीटर हम लोग को इंडिया में नहीं लगाना है, इंडिया में गरीब इलाका है, ट्राइबल इलाका है, मिनिमम हम लोग को इंडिया में गरीब ज्यादा है, हम लोग को इंडिया में अनपढ़ ज्यादा है, हम लोग को इंडिया में अनपढ़ एबिलिटी मैंने हम लोग को इंडिया में लेखा पढ़ा वाला बहुत कम है, 99% गरीब है, 99% अनपढ़ आदमी है, तो यही इलाका में हम लोग को ट्राइबल इलाका है सब भी मालूम है, और वही लोग को SB डिपार्टमेंट को हम लोग अच्छा बुरा हम लोग नहीं बोलता है, उसका हम लोग को कोई बोलने का जरूरी नहीं है, हम लोग खराब भी नहीं बोलता है, लेकिन हम लोग को इंडिया में नहीं लगाना है, यही हम लोग का डिमांड है, मालूम है ये लोग बहुत तकलीफ है, हम SB का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सामने में हम बैठा हुआ है, ऑफिस का सामने में ये लोग बहुत तकलीफ में भी है, स्टाफ नहीं है, स्टाफ बहुत कम से चलाता है, ये लोग इतना स्टाफ को हरासमेंट मिलता है, ये सब को थोड़ा नहीं देख के हम लोग यहाँ में स्मार्ट मीटर लगा देगा तो नहीं होगा ना। नहीं, फायदा तो हम लोग को वही है, हम लोग को नुकसान होगा फायदा होगा वो तो हम लोग को अभी तक तो लगाया तो नहीं है, फिर भी स्मार्ट मीटर का वो है मैंने बस्ती का आदमी अनपढ़ आदमी के लिए बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम होगा, स्मार्ट मीटर में क्या बिल आएगा नहीं आएगा तो अभी तक तो हम लोग तो जानकारी तो नहीं, फिर भी हम लोग को यहाँ में स्मार्ट मीटर में बिल देने का बहुत प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आपने सुना है जो एनजीओ के जो प्रेसिडेंट है शांतो उजाई जी, उनका क्या कहना था, और जो गाँवबुरा है उनका भी क्या कहना था, लोकल पब्लिक से भी बात किया है जो विषय में स्मार्ट मीटर का विषय में जो उनसे बात किया था, जो क्या इफेक्ट गिरेगा स्मार्ट मीटर लगाने से और नहीं लगाने से क्या फायदा होगा, तो इसी विषय में अभी हम चलेंगे बात करेंगे जो APDCL के जो इंचार्ज है, APDCL ऑफिस के जो इंचार्ज उमरांग सू के SDO जी, तो उनसे बात करेंगे जो वो क्या कहना चाहते हैं जो पब्लिक को, जो स्मार्ट मीटर से क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या खराब हो सकता है, तो चलिए बात करते हैं जो APDCL ऑफिस के जो SDO है उनसे, चलिए बात करते हैं। अभी देखिए लोगों को क्या समझा या नहीं समझा तो पता नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि मैं भी एक स्मार्ट मीटर का कंज्यूमर हूँ, वैसे बिलिंग का हिसाब से बोलने से इतना फर्क तो मुझे दिखाई नहीं दिया, ऑलमोस्ट सेम ही है, आज ही सुबह मैंने अपना जो मीटर के लिए रिसर्च किया था, अभी 2-4 महीने हुआ है हमारे काम में मीटर लगाया, इतना डिफरेंस तो नहीं देखा, बल्कि अभी लोगों को क्या समझ में आया आज उसके स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए बोल के आज उन लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए आया है, कुछ गर्म पानी का कुछ ये NGO है, अभी मैंने उसको अभी हमारा हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है ऐसे सब स्मार्ट मीटर का अगेंस्ट में,
मेमोरेंडम दिया है बोल के, इसलिए अभी हम लोग और पब्लिक को और अच्छा से समझाना है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी अभी आया है, उसको तो हम लोग लेना ही लेना है, लेना ही पड़ेगा, अगर हमारे पुराने ज़माने का जैसे चलने से भी नहीं होता है। हम लोग देखेगा कितना सकता है, हम लोग समझाने के लिए कोशिश करूँगा, स्मार्ट मीटर का फ़ायदा या नुकसान क्या है, वही मेरा मैसेज है जो यहाँ जो आज पब्लिक आया है उन लोगों को भी समझाने के लिए मैं पूरी तरह अपने लिए कोशिश करूँगा, और हमारा हायर अथॉरिटी को भी मैं आग्रह करूँगा कि उन लोगों को भी ये पब्लिक को अच्छी तरह से कैसे समझाना चाहिए, हम लोगों को गाइड करते रहिए, बस वही मेरा कहना था सर। वो जैसे कि उनका एक बात हम लोगों ने सुना था कि उनका ये कहना था कि बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, वो स्मार्ट मीटर को यूज करने में शायद असफल रहेंगे। मैं समझता हूँ आज के दिन में कोई ये अगर स्मार्टफोन चला सकता है तो स्मार्ट मीटर का वो भी चला नहीं सकेगा, मेरे ख्याल से इतना ये तो नहीं होगा, हो भी सकता है कोई ऐसे हिली एरिया में तो हो सकता है किसी को कोई दिक्कत हो सकता है, अगर वो भी फेरी इट विल भी फेरी लेस परसेंट मेरा, मैं अभी जो मैं समझ रहा हूँ, बाकी तो ऐसे हो जाएगा, सबको भी समझ में आ जाएगा। सर आपके अभी अपना 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 मोबाइल में रिचार्ज करवा सकता है, तो मीटर का भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी तो ऐसे ही है, धीरे से सीख ही जाएगा लोग ऐसे। हाँ हाँ मेरा विश्वास है लोग सीखेगा, वो भी इतना ज़्यादा दिन तो नहीं लगेगा। वो नहीं कितना उपभोक्ता है सर आपके, उपभोक्ता 6000+ अगर 6000+ लोग अगर कह रहे कि स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, तो दोनों में स्मार्ट मीटर और अभी का मीटर में दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है सर? वही तो अभी समझाने जा रहा हूँ लोगों को, डिफरेंस तो हमारे हिसाब से मेरा जो तजुर्बा है उस हिसाब से तो इतना कोई डिफरेंस तो नहीं है, अगर टेक्निकली हो या ऐसे कुछ। तो जैसे कि आपने देखा जो उन लोगों ने APDCL का ऑफिस में मेमोरेंडम सबमिट भी किया है, और ये मेमोरेंडम काफ़ी सारा जगह पे लोग देंगे, गुवाहाटी भी देंगे, डिफू भी दिए हैं, और जो संतोष जाई जी जो प्रेसिडेंट है NGO के उनका भी कहना आप सुना है। तो इसी तरह के डिमांड्स हो के हर एक न्यूज़ को देखने के लिए आप देखते रहिए बोराइल न्यूज़ को, बोराइल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।